DPS Senior Secondary School Tabiji लेकर आए हैं online classes from pre-nursery to class 12th. 50% discount on girls fees. Online admission open. Visit dpsajmer.in. देखिए हमारी सिग्मा चेतक हुआ शक्ति हुए ये लोग जो हैं ड्यूटी पर लगातार जाते हैं और क्योंकि अब लॉकडाउन 4 आने वाला है तो उसमें उसके लिए इन्हें कैसे तैयार रहना है, इन्हें रोड पर क्या क्या ध्यान रखना है, किस तरह से इन्हें रोड पर अब जो नए बदलाव हैं जिसमें डबल चैलेंज है इनके लिए, एक और इन्हें रूटीन पुलिसिंग भी करनी है, साथ साथ लॉकडाउन के जो नए नियम आ रहे हैं अभी भी जो नए नियम लगे हुए हैं उसकी पालना भी सुनिश्चित करानी है, उसके लिए क्या किया जा सकता है उसके बारे में इन्हें बताएंगे। बाजार खुले लगे हैं लगातार आज। देखिए इस बारे में बहुत स्पष्ट दिशा निर्देश हैं, इस अध्यादेश में ही प्रावधान है कि किन किन चीज़ों पर हम चालान कर सकते हैं, वो सभी चालान की कार्रवाई यहाँ से शुरू कर दी गई हैं। कल तक हम पिछले 3 दिनों से लगातार लोगों को जागरूक करने के लिए माइक के माध्यम से अनाउंसमेंट कर रहे थे लगातार, और आज से हम चालान की प्रक्रिया शुरू कर रहे हैं। और इसमें मैंने अभी सभी स्टाफ को बताया है कि चालान के साथ साथ लोगों को जागरूक करने का प्रयास भी करेंगे और जितना हो सके कोशिश करें कि लोग समझें भी बातों को, केवल लोगों को चालान काट करके कंपाउंड करना ही उद्देश्य नहीं है, लोग समझें कि क्यों किया जा रहा है, क्यों उन्हें कहा जा रहा है कि आप कहीं पर थूकें नहीं, मास्क पहने लगातार, डिस्टेंसिंग रखें, इस चीज़ को समझाने की कोशिश भी करेगी पुलिस और साथ साथ सख्ती भी हम करेंगे। सर एक मीटिंग में कई महत्वपूर्ण विषय उठे थे, बाजार को खोला जाए, आपको क्या लगता है कि इस सीजन में बाजार को लगातार एक साइड के खोले गए तो देखिए वो क्षेत्र जहाँ पर लगातार नए केसेस आ रहे हैं या आते रहे हैं उन जगहों को अभी हम नहीं खोल रहे, कुछ डिमांड जो थी वो रीजनेबल डिमांड है, जैसे कि रोड की एक तरफ का रोड का दुकानें खुल रही थी दूसरी तरफ नहीं खुल रही थी, वो डिस्कशन हुआ है अभी कलेक्टर साहब से और वो इस बात पर एग्री हैं कि दोनों तरफ की दुकान खोल दी जाएंगी, कुछ पोर्शन और है जिसको कि कर्फ्यू से निकाला जा रहा है बाहर, तो लगातार ये एक्सरसाइज चलती रहेगी, हर बीतते दिन के साथ में अगर केसेस नए नहीं आते हैं तो पुराने कर्फ्यू क्षेत्रों में बदलाव किया जाता रहेगा, सरकार की भी यही मंशा है कि अधिक से अधिक जगहों को खोला जाए और केवल उन जगहों को कंटेन किया जाए जहां पर कि वाकई में केसेस लगातार आ रहे हैं। कोई निर्णय आ रहे हो जाएगा? देखिए डिस्कशन तो आज हुआ है, मेरे ख्याल से निर्णय आज या कल तक आ जाना चाहिए।